जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू, आदत डाल ले। क्योंकि वहां गंगू रहती है। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। आखिर कौन था असली करीम लाला, क्यों आया था वो हिंदुस्तान और कब होगा फिल्म का ट्रेलर रिलीज? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड आर्ट स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट की नहीं बल्कि बात करेंगे अजय देवगन के कैमियो रोल के बारे में। इस फिल्म में अजय डॉन करीम लाला के किरदार में नजर आएंगे और दोस्तों इस फिल्म में वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही नजर आने वाले हैं, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है कि वो अपने इस रोल को 15 मिनट में ही खास बना देंगे। वैसे आपको बता दें कि असल में करीम लाला था कौन। दोस्तों करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। उसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था और करीम को पश्तून कम्युनिटी का आखिरी राजा भी कहा जाता है। जिंदगी में ज्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने उसे हिंदुस्तान की तरफ आने के लिए इंस्पायर किया था। वैसे दोस्तों हाजी मस्तान मिर्जा को भले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के जानकार बताते हैं कि सबसे पहले माफिया डॉन करीम लाला था, जिसे खुद हाजी मस्तान भी असली डॉन कहा करता था। अब करीम लाला का आतंक मुंबई में सिर चढ़कर बोलता था और हाजी मस्तान और करीम लाला की दोस्ती भी लोगों के बीच मशहूर रही। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की मौत हो गई थी। अब फिल्म में अजय देवगन इस डॉन के किरदार में नजर आने वाले हैं, तो देखना होगा कि सिर्फ 15 मिनट में अजय कैसे इस कैमियो रोल को ऑडियंस के बीच पेश करते हैं। वैसे दोस्तों इस फिल्म का टीजर तो पहले ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन अब इंतजार है फिल्म के ट्रेलर का जो अगले साल जनवरी तक देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की स्टार कास्ट की, तो संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, हुमा कुरैशी, इमरान हाशमी अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म को पहले अगले साल जनवरी में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी रिलीज पोस्टपोन हो गई है। फिल्म अब अगले साल 18 फरवरी को रिलीज होगी। तो आप लोग बताइए कि क्या आप भी कर रहे हैं फिल्म में अजय देवगन को देखने का इंतजार? अगर हाँ तो दोस्तों हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल न भूले। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।